जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महत्तम के 22वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। इसमें हम श्रवण करेंगे वैशाख मास में स्नान तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा। अम्बरीश ने पूछा, मुनि वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्राह्मण से, आप श्रीहरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देव कुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलद पापहा भव। मधुसूदन, माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर चार हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेदंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमंकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहालें। मृतिका को आमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने 12 का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो। अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुण, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं
उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे, तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल आसुरी बोडू तथा पंचशेख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ नारद तथा अन्य देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर धर के बाएं घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वांत सौम्य हविष्मान उस मप कव्यवाट अनल वहिष्सद पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यों कहकर उनको तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत फूल लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्ध दें। अर्धदान का मंत्र इस प्रकार है। भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न जल शक्कर धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख वर्ष प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और अभिष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक वक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा यथाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 बार समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। अभिष्ट खाकर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत दान जप होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल जल स्वर्ण अन्न शक्कर वस्त्र गौ जूता छाता कमल या शंख तथा घड़ी
इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवान भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। शाम एक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ वैशाख मास महात्म के 22वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोल वैशाख मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।